मुंबई टीवी के पत्रकार अफजल शेख और उनके साथियों पर हुआ हमला। मैं अफवाद कासमानी, आप देख रहे हैं टुडेज वॉइस न्यूज। बताया जा रहा है कि कुर्ला के न्यू नूर हॉस्पिटल के डॉक्टर आसिफ शेख और उनके साथियों ने मिलकर अफजल शेख और उनके साथियों पर हमला कर दिया। कुर्ला पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हो चुका है। कुर्ला पुलिस स्टेशन के सीनियर PI श्री गोविंद गंभीरे ने स्टेटमेंट भी दिया है, देखिए उन्होंने क्या कहा। सर, कुर्ला पुलिस स्टेशन के हाथ में कुछ पत्रकार के साथ मारपीट का मामला आया है, क्या है पूरा मामला सर इसमें? ऐसा है, कुर्ला पुलिस थाने अंतर्गत एक हॉस्पिटल के बाहर कुछ पत्रकार एक छोटा बच्चे को सही ट्रीटमेंट न मिलने के बारे में पूछताछ के लिए कल रात को 11:30 बजे गई थी। हॉस्पिटल के एक डॉक्टर और उस हॉस्पिटल के 2-3 स्टाफ ने फोटोग्राफी क्यों ले रहे हो बोल के झगड़ा करके मारपीट किया। उस घटना का कुर्ला पुलिस थाने में कलम 394, 326, 325, 354, 509, 34 IPC के तहत गुना दाखिल किया है और एक डॉक्टर आरोपी को अरेस्ट किया है। आगे की जांच कुर्ला पुलिस स्टेशन कर रही है, बाकी आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। तो कितने आरोपी अभी फरार हैं इस मामले? 3 आरोपी फरार, मेन डॉक्टर आरोपी अरेस्ट। तो उसे क्या कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे? हाँ, आज उसको कोर्ट में पेश किया है, रिमांड मिलेगा उसको। ठीक है। अफजल शेख का भी स्टेटमेंट आया है, देखिए अफजल शेख ने क्या कहा। क्या हुआ था भाई अफजल भाई, बताओ। हाँ, नहीं, रात करीब 11:30 के आसपास हम लोग न्यू नूर हॉस्पिटल है कुर्ला डिपो पे, वहाँ पर गए हुए थे। कुछ एक दिन पहले हम लोगों को रात में एक पीड़ित का फोन आया था कि एक 11 महीने की बच्ची है, उसे 4 घंटे से कोई एडमिट नहीं कर रहा, उसको माइनर अटैक आया है। उसी बात को लेके हम लोगों ने कल 3 बजे रात में उसका इंटरव्यू वगैरह किया और उसके दूसरे दिन हम लोग विजुअल बनाने के लिए गए हुए थे। और विजुअल बनाकर जैसे ही हम लोग बाहर निकले, कुछ अज्ञात मतलब 4-5 डॉक्टर थे अभी हम लोगों का, हम लोग देखे कि वो डॉक्टर ही थे, तो लोगों ने हाथ में कड़ा था या पत्थर था, सीधा हम लोगों के ऊपर अटैक करने लगे। जिसमें सबसे पहले तो लेडीज़ पे उन्होंने अटैक करने के लिए आए और जैसे अटैक किए तो मैं और हमारे साथ में जैन भाई थे, तो हम लोगों ने बचाव किया कि आप लोग क्यों लेडीज़ के साथ ऐसा बदतमीजी कर रहे हो, क्योंकि लेडीज़ के हाथ में ही कैमरा था। तो फिर जैन भाई जो है आगे क्या लेडीज़ को भी मारे? हाँ, लेडीज़ को हाँ मुक्का मारे और मोबाइल कट जितना भी सब लोग जो कि 4 लोग थे ना, वो सब लेडीज़ पर ही हावी हो रहे थे। गुरुवार देर रात को आप सभी मेरे बारे में बहुत सारी वीडियोस और ख़बरों के जरिए सुन रहे होंगे कि मुझ पर जो एक डॉक्टर द्वारा हमला किया गया है। जो डॉक्टर है कुर्ला न्यू कोइनूर हॉस्पिटल के डॉक्टर है और ये डॉक्टर ने मेरे को इसके लिए इतना जानलेवा हमला किया क्योंकि मैंने जो है उनको उनके हॉस्पिटल का एक भांडाफोड़ करने के लिए एक खबर बना रहा था। और तभी तमाम डॉक्टरों की टीम ने मुझ पर, मेरे भाई है न्यूज़ 18 में काम करते हैं जैन भाई पर, और मेरी बहन पर जो है जानलेवा हमला किया, जिसका वीडियो भी जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैं फ़िलहाल अपनी तबीयत को और आप सभी के दुआओं के ज़रिए जो है ठीक करके आप सभी तक पूरी जानकारी पहुँचाऊँगा कि कैसे मुझ पर हमला किया गया और आखिर यह हमला करने वाले जो डॉक्टर थे इनका मंसूबा क्या था। सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद और शुक्रिया अदा करूँगा, तो रविवार का दिन था और रविवार के दिन सभी सरकारी महकमे के लोग जो है छुट्टी पर जाते, लेकिन हम लोगों का मामला सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा गंभीरता से देखते हुए मुंबई पुलिस आयुक्त ने अपने उनके अंडर जितने भी पुलिस ऑफिसर थे उनको ऑर्डर दिया और जो एडिशनल CPA, रीजनल CPA या जॉइंट CPA सभी ने DCP को इन्फॉर्म करते हुए DCP सर जो है खुद कुर्ला पुलिस स्टेशन हमसे मिलने पहुँचे और कुर्ला पुलिस स्टेशन ने भारतीय दंड संहिता की धारा 326, 323, 324, 325 और 394 और 506, 34 और 354 के तहत मामला दर्ज किया है। मामला आसिफ खान पर दर्ज किया है और उसके साथ में और तमाम जो है साथी इसमें हैं। आप सभी को दिल से धन्यवाद क्योंकि काफ़ी कम समय में और काफ़ी ज़्यादा जो है मेरा फ़ोन भी आरोपियों द्वारा छीन लिया गया था, लेकिन उसके बावजूद मुंबई कमिश्नर ने तमाम जो मामला थे उसको खुद जो है अपने संज्ञान में लेते हुए उस पर सक्सेस कानूनी कार्रवाई की। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। आगे की न्यूज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें टुडेज वॉइस न्यूज़। अरे बेटा, लड़की लेके बैठा है।
भाई एक जन लेके चले जाओ तुम चले जाओ भाई।